हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं लेकर आई हूँ करंट अफेयर का मॉक टेस्ट, वो भी 10, 20, 30 नहीं बल्कि पूरे 150 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। हाँ, क्योंकि अब 150 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट एक वीडियो में प्रोवाइड करा पाना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर मैं जल्दी जल्दी बस रीड करते जाऊँ और बोलती जाऊँ तो उसमें आपको कुछ भी लर्न नहीं होगा, तो इसलिए इसको मैंने पार्ट्स में बना दिया है। तो मैं इस पर 25 25 क्वेश्चन के मैंने पार्ट कर दिए हैं। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट है। इस मॉक टेस्ट में 2018 का पूरा डाटा है, चाहे वो कोई दिवस मनाया गया हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो स्पेशल कोई बुक से हो, ठीक है, ये पॉलिटिक्स से हो, यानी सब चीज़ से रिलेटेड नियुक्तियाँ हो, व्हाटएवर जो कुछ भी है सब इसमें है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला मॉक टेस्ट है आपका करंट अफेयर का। इसके पहले मैंने अलग से आपको जरूर दिया है, लेकिन ये जो 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ है उसका ये फर्स्ट मॉक टेस्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर साल वृद्ध व्यक्तियों को का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। सिंपल ये क्वेश्चन बन सकता है, वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देख लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5 ऑप्शंस हैं, एक्चुअली 4 होने चाहिए थे, कोई नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीडीएफ फॉर्म में मुझे मिला हुआ है। तो 5 ऑप्शंस हैं, आप देख लीजिए इसमें से क्या होगा। 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 4 अक्टूबर या 5 तक, मतलब 1 से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में ही मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली? इसका आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य की चाय बागानों में गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी मुआवजा योजना शुरू की है? तो मजदूरी मुआवजा योजना शुरू की है किस राज्य सरकार ने, और शुरू किस लिए की है? चाय बागानों में जो काम करती हैं उन गर्भवती महिलाओं के लिए मुआवजा देने के लिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूरा आंसर है, सबको पता है कि चाय की बागान कहाँ होती है। तो आपने ऑप्शंस देख लिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली असम ही होगा इसका सही आंसर, ठीक है, क्योंकि चाय के बागान, हाँ सिर्फ ये सब ना दिया होता तो फिर थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती थी, लेकिन पूरा क्वेश्चन में ही आंसर है इसका। नेक्स्ट है आपका, SBI ने दैनिक ATM नगद निकासी सीमा को 31 अक्टूबर से प्रभावी कितने, मतलब कितने रुपए तक घटा दिया है, ठीक है। जो ATM से नगद निकासी सीमा जो थी वो 31 अक्टूबर से प्रभावी है में, मतलब 31 अक्टूबर के पहले एक अलग थी और अब कुछ अलग है, कुछ रुपये उसमें घटा दिए गए हैं कि अब इतना ही निकाला जा सकता है। तो कितने रुपए घटाए गए हैं वो आपको बताना है, 10,000, 20,000, 30,000, 15,000, 25,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? SBI में होगा आपका अकाउंट, तो आपको डेफिनेटली पता होगा। इसका सही आंसर हो जाता है आंसर नंबर 3, 20,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वां एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैम्पियनशिप खिताब किसने जीता है? 25वां एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? यहाँ पे ऑप्शन है शिवराज सिंह, मैन सिंह, युवराज वाधवानी, प्रीतम तमांग एंड पोलिन किपगेन। तो आंसर नंबर 4th का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, प्रीतम तमांग, ठीक है, जूनियर व्यक्तिगत स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब 2018 के लिए है ये पूरा ये करंट अफेयर है, तो पूरा 2018 का ही है। मनु भाकर को तीसरे युवा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। मनु भाकर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन आपका दे दिया है, आपको एक और आंसर दे दिया है कि तीसरे युवा ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है? मनु भाकर को। एक क्वेश्चन तो आपको यहीं पे बन गया। अब ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह कहाँ आयोजित किया जाएगा, मीन्स ये खेल जो है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? ब्राज़ील, रूस, चीन, इजराइल, अर्जेंटीना। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना में ये आयोजित होंगे। मनु भाकर को इसमें नामित किया गया है ध्वजवाहक के रूप में। बढ़ते हैं आगे 6 नंबर क्वेश्चन पे। तो किस निकाय ने यह फैसला दिया है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI RTI अधिनियम के तहत कवर किया जाएगा, मीन्स RTI अधिनियम के अंतर्गत अब ये BCCI भी आएगा? तो आपके सामने ऑप्शंस है, केंद्रीय सूचना आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रीय सूचना आयोग। अगर आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आ रहा हो, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर्ड रहेंगे, तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से अभी बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों में भागीदारी के लिए किस देश ने आंग सान सू ची की मानद नागरिकता औपचारिक रूप से वापस ले ली है? म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर किए गए अत्याचारों में भागीदारी करने के लिए किस देश ने किसकी नागरिकता वापस ले ली है? आंग सान सू ची की मानद नागरिकता औपचारिक रूप से वापस ले ली है। तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, सारे देख लीजिए, और इसका सही आंसर हो जाता है कनाडा। ओके, तो कनाडा ने ले ली है वापस नागरिकता किससे? आंग सान सू ची से। क्यों ले ली है? म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार जो हुए थे उसमें भागीदारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें आपका देश का, विदेश का, सब कुछ, पूरे वर्ल्ड का करंट अफेयर, कंट्री का करंट अफेयर भी है और राज्यों का तो है ही। अमेरिका में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? अमेरिका में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है हाल ही में, मतलब ये आप 2018 की ही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 149वीं जयंती। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, देखते हैं संयुक्त भारत यूएस सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण उत्तराखंड के चौबातिया में आयोजित हुआ? ठीक है, युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण उत्तराखंड के चौबातिया में आयोजित हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने, एक बार देख लीजिए उनको और आंसर गेस कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5, 14वां संस्करण, ठीक है, उत्तराखंड में आयोजित हुआ है युद्ध अभ्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये आपका एस्पियन कप 2018 किसने जीता है? तो एस्पियन कप 2018 किसने जीता है? विक्रम मल्होत्रा, शशांक सिंह, आदित्य चोपड़ा, राणा ठाकुर, महेश गोपलानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विक्रम मल्होत्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में, यानी कि नियुक्ति से आगे आपका ये क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, संजय बरुआ, हेमंत दास, एंड्रवि सरिस्त सिंह एंड राम समुज यादव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन रवि, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं एन रवि, याद रखना है नियुक्तियां सारी आपको इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका 12th नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोणार्क स्टेडियम में पराक्रम पर्व का उद्घाटन किया था, ठीक है, कोणार्क स्टेडियम में पराक्रम पर्व का स्थापन। तो एक क्वेश्चन में ही आपको एक आंसर मिल गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोणार्क स्टेडियम में किसका उद्घाटन किया, तो पराक्रम पर्व का, या फिर ऐसा पूछ सकते कि पराक्रम पर्व का उद्घाटन कहाँ किया, तो अभी वो आपको आंसर उसका मिलेगा। तो कोणार्क स्टेडियम कहाँ है ये आपको बताना है, तो रायपुर, हम्पी, वाराणसी, जोधपुर या लखनऊ। चलिए देख लेते इसका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना टाइम वेस्ट किए, अभी तक लाइक नहीं किया तो अब लाइक कर ही दीजिए। हाँ, और एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जैसे ठीक है, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, तो बस मैं जल्दी पे जल्दबाजी में, क्योंकि अकेली, जैसे अभी मैं जस्ट स्कूल से आई हूँ और मैंने एक्चुअली लंच भी नहीं किया, मैं जस्ट रिकॉर्ड करने लगी हूँ, क्योंकि मुझे शाम तक यानी आपको ये वीडियो प्रोवाइड करना है, एडिटिंग वगैरह सब कुछ करके अपलोड करना है। तो ठीक है, जल्दबाजी में हो जाती है, कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर नहीं ध्यान दिया, बिकॉज वीडियो अपलोड करने के बाद देखने का नहीं हो पाता है इतना टाइम मैनेज, तो आप बताते हैं कमेंट करके, कोई उसमें करेक्शन करते हैं, तो इसको मैं बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है जिन्हें नॉलेज नहीं है वो उसी को लर्न करके चले जाएँ और उनका नुकसान हो जाए मेरी वजह से, तो ये बहुत ही बुरा मुझे लगेगा। तो अगर आप करेक्शन करके बताते हैं तो मैं उसे बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ, और
ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, वो बेनिफिशियल हो जाता है कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने पाती है। तो अगर आप कहीं पे आपको किसी क्वेश्चन में इशू आता है तो आप उसे इस वे में मत बताया करिए कि प्लीज़, जैसे कि मैंने मुझसे कहीं बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ठीक है गलती इंसानों से होती है, लेकिन आप उसे बताया ज़रूर करिए। आप मुझे बताएंगे, मैं भी उसको रीचेक एक बार कर लेती हूँ, मुझे भी ध्यान उस पर दे देती हूँ और उसको करेक्शन कर देते हैं। तो ये हमारे जो नेक्स्ट जितने भी व्यूअर्स होंगे उनके लिए यूज़फुल होगा। तो आप सब मेरे चैनल को इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा वाला थैंक यू। हाँ, लाइव मैं क्लास नहीं दे पा रही हूँ, कुछ इश्यूज़ हैं उसके पीछे, बट कोई नहीं, हम इस तरह से ही फ़िलहाल पढ़ते हैं। ठीक है, मैटर आप तक तो पहुँचाने से मतलब है, मैटर नहीं करता। लाइव आपको जो भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत जल्दी मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करूँगी। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 2 मिनट वेस्ट कर दिया मैंने आपका। चलिए, तो लिलिमा मिंज को प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है, तो वह किस खेल से संबंधित है? तो अब देखिए, इसी एक ही क्वेश्चन में ही एक आंसर आपका मिल गया है कि एकलव्य पुरस्कार 2018 के लिए किसे चुना गया है, तो वो है लिलिमा मिंज, और वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाता है हॉकी। ठीक है, मैंने बैडमिंटन पे लगा दिया, हॉकी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 2018, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं HLC 2018, पर फिर ब्लैंक है, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व 2018 पर फिर ब्लैंक, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने, एक बार इसको फटाफट से देख लीजिए। तो इसमें आपका जैसे मौजूदा ढांचे की समीक्षा करने के लिए, मीन्स गठन का, समिति का गठन किस लिए किया गया है? तो मौजूदा ढांचे की समीक्षा करने के लिए, मार्गदर्शन और रोड मैप तैयार करने के लिए, वित्तीय समावेशन की समीक्षा के लिए, एक वन एंड टू मतलब दोनों या फिर सारे। तो इसका सही आंसर हो जाता है आंसर नंबर 4, वन एंड टू दोनों, मतलब कि मौजूदा ढांचे की समीक्षा करने के लिए और मार्गदर्शन और रोड मैप तैयार करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो वैश्विक व्यापार परिदृश्य में चल रही चुनौतियों का समाधान करने के अवसरों और तरीकों पर गौर करने के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह HLAG का गठन की मंजूरी किसने दी है? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको देख रहा होगा कि बहुत लॉन्ग लॉन्ग है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको एक नहीं बल्कि दो दो क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो वैश्विक व्यापार परिदृश्य में चल रही चुनौतियों का समाधान करने के अवसरों और तरीकों पर गौर करने के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया गया है, तो उसको मंजूरी किसने दी है? ऑप्शंस है पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सुरेश प्रभु। फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर आपका गेम्स से आगे, स्पोर्ट्स से आ गया। अभिषेक वर्मा ने तुर्की के सैमसन में तीरंदाजी विश्व कप में क्या जीता है? रजत, स्वर्ण, कांस्य, हीरा, प्लैटिनम, सारे ऑप्शंस हैं सामने। तो अभिषेक वर्मा ने जीता है कांस्य, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, किसमें? तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने आपको नोबेल प्राइज का एक वीडियो दिया हुआ था अलग से, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो दो रसायन विज्ञान में 2018 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2018 में रसायन विज्ञान में, तो ये आप देख लीजिए सारे ऑप्शंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी, इन सभी को मिला हुआ है रसायन विज्ञान 2018 में नोबेल पुरस्कार। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने देश के कौन से प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ली है, मतलब कि कितने नंबर के प्रधान मुख्य न्यायाधीश बने हैं न्यायमूर्ति रंजन गोगोई? देखिए फिर से क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन मिल गया कि है ना, कि कौन हाल में ही किसे प्रधान न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा रंजन गोगोई। और कौन से नंबर के हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका सही ऑप्शन आंसर आपको गेस करना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका आंसर नंबर
सॉरी आंसर ऑप्शन नंबर 5, 46 मतलब 46वीं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। तो 2018 के भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किसे नवाजे जाने की घोषणा की गई है? आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार कब वितरित किए जाएंगे, ये मैंने आपको नोबेल पुरस्कार वाली वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, घोषणा कर दी गई है, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इस साल किसे दिया जा रहा है? ऑप्शंस फिर से आपके सामने लिखे हुए हैं और उसको आप एक बार रीड कर लीजिए, गेस भी कर लीजिए मन में कि क्या होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा और आपने याद नहीं किया ना, तो फिर ये आपकी गलती है। देखिए, याद कर लिया करी, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ ताकि याद हो जाए एट द टाइम, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रसिद्ध चित्र ग्लो ऑफ होप, देखिए अब आर्ट से भी आ गया, बता रही हूँ जितने भी मैं आपको 150 क्वेश्चन देने वाली हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हर एक फील्ड का करंट अफेयर इसमें है। प्रसिद्ध चित्र ग्लो ऑफ होप में लैम्प हाथ में ली हुई युवती, जिन्हें वुमन विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, का निधन हो गया। ठीक है, अब वो युवती कौन है वो आपको बताना है। ठीक है, वो चित्र है ग्लो ऑफ होप, जिस चित्र का नाम है। ठीक है, और जो उस चित्र में एक फेमस पेंटिंग है, जिस चित्र में जो लेडी रहती है जिन्हें वुमन विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। दो तीन क्वेश्चन आपको साथ में मिलते जा रहे हैं क्वेश्चन में ही। ठीक है, उनका हाल में ही निधन हुआ है, और उनका नाम क्या है आपको नाम बताना है। तो इसका सही आंसर है गीता उपलेकर, गीता उपलेकर। आगे बढ़ते हैं, एशियाई विकास बैंक ADB और भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गलियारे की दक्षता में निरंतर सुधार और सड़क कनेक्टिविटी के वित्त पोषण के लिए ऋण पर हस्ताक्षर किए, कुल हस्ताक्षरित राशि क्या है? यहाँ पे आपको बजट बताना है। ठीक है, कि ADB ने और भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल और भारत के उत्तरी पूर्व क्षेत्र में, ठीक है, व्यापार गलियारे की दक्षता और इन सब में सुधार और सड़क की कनेक्टिविटी, इन सब चीज़ के लिए जितने रुपए की ऋण के लिए हस्ताक्षर किए हैं, वो राशि क्या है आपको राशि बतानी है। और इस यहाँ पे आप देख रहे हैं मिलियंस में है, डॉलर्स में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 150 मिलियन डॉलर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर ये आपका। असम में महात्मा गांधी की जयंती पर भारत का तीसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। अब देखिए, यहीं पे क्वेश्चन में ही आपको मिल गया एक और क्वेश्चन। असम में महात्मा गांधी की जयंती पर भारत का तीसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? असम में फहराया गया। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ध्वज स्तंभ की ऊंचाई क्या है? ठीक है, तो ध्वज स्तंभ की ऊंचाई इसमें क्या होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 319.5 फिट। ठीक है, और ये तीसरा सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज है जो कि असम में फहराया गया है और महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष में फहराया गया। अब देखते हैं, किस देश के 47 साल के इतिहास में पहली बार महिला अधिकारी सुसान गिती को एक प्रमुख जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? अब देखिए, क्वेश्चन में ही फिर से क्वेश्चन है आपका, किस देश के 47 साल के इतिहास में पहली बार, यानी क्वेश्चन आ जाएगा आपकी सुसान, जो जो भी देश होगा वो आंसर में, उसके उसमें पहली उसकी पहली महिला प्रमुख जनरल कौन थी? तो वो सुसान गिती हो जाएंगी। आगे चल के कौन सा देश है वो जिसमें नियुक्त किया गया है पहली बार किसी महिला को प्रमुख जनरल के रूप में? ऑप्शंस, दक्षिण अफ्रीका, मालदीव, सिंगापुर, बांग्लादेश और क्यूबा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। हाल ही में किस वायलिन वादक और गायक का निधन हो गया? ठीक है, ये निधन से रिलेटेड हो गया। आपको पता है ना, करंट अफेयर में आपका ये रहता है, पुरस्कार भी रहता है, निधन भी रहता है, नियुक्तियां भी रहती हैं, सारी चीज़ें रहती हैं। सुमित्रा सेन, विनोय दुबे, बाला भास्कर, लालजी प्रसाद, मोहन सुरसेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बाला भास्कर, जो कि प्रसिद्ध वायलिन वादक और गायक थे और हाल में ही इनका निधन हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर में किस नदी का कायाकल्प परियोजना का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में पहले तो ये कि किस नदी का कायाकल्प परियोजना का उद्घाटन किया है, किसने किया? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। कहाँ किया है? राजस्थान के जयपुर में किया है। और नदी कौन सी है? तो ऑप्शंस आप देख लीजिए, गंगा नदी, द्रव्यवती नदी, सरस्वती नदी, तापी नदी एंड अलकनंदा नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, द्रव्यवती नदी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। और इसी तरह से आपको सारे सीरीज मिल जाएगी पूरे 150 क्वेश्चन की, जिसमें कि पूरा साल भर का करंट अफेयर समाहित होगा। और आपने देखा कि 25 क्वेश्चन मैंने आपको सीधे सीधे दिए हैं, और उसमें इनडायरेक्टली आपको 10-15 क्वेश्चन और मिल गए हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है वीडियो ये सारा। लाइक कर दीजिए पसंद आया तो, और शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट सारे वीडियो के अपडेट्स अपने आप मिल जाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।